भाई। और यहाँ रैंक टू आ चुकी है हमारी, यहाँ पर 3,000 में भाई 200 किले। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं दोस्तों, और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और बहुत सारे इसमें आपको ऑफर्स मिले हैं, बहुत सारे आपको इसमें टास्क भी दिए गए हैं। जो सो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर वार रोबोट गेम प्लेइंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है स्पेशल डिलीवरी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल डिलीवरी के अंदर हम यहाँ पे आपको दिखा दें, हमारे पास 18 ब्रोजोन हैं, 3 सिल्वर हैं और 5 गोल्ड हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब हम ये सारे एक ही बार में ओपन करेंगे, और इन सारे ओपन को एक ही बार में कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक हमने एक भी जो प्राइस गेट नहीं किया है, और ये जो स्पेशल डिलीवरी है ये दोस्तों जुलाई महीने की है 2023 की। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रोजोन से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, फिर हम शुरुआत करते हैं सिल्वर से जो हमारे पास 3 है, और फिर गोल्ड से शुरुआत करते हैं जो हमारे पास 5 है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं, कोशिश करते हैं गोल्ड में एक जो है इसमें से कोई लकी सेल है, उस लकी सेल को पाने की। अगर वो लकी सेल हमें मिल जाता है तो हमें मिलती है यहाँ पर एक रेयर चेस्ट ओपन करने के लिए, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 2 मदरशिप मिलती है और 2 सीरी मिलती हैं, एक एथर मिलता है, ये तीनों टाइटन है, और इनकी गन्स मिलती हैं, और साथ ही साथ टाइटन रिपेयर एम्पलीफायर मिलता है। यदि दोस्तों आपको रेयर चेस्ट ओपन करने का मौका मिलता है, तो आपको इनमें से कौन सा टाइटल पसंद है वो जल्द से हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये टाइटल लेना पसंद होता। और चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्रोजोन में क्या क्या दिया गया। भाई यहाँ पे गन्स दी गई हैं ऑर्फिन की, और यहाँ पे स्टेक से रिलेटेड गन्स है जो कि लाइनिक्स की गन्स है, इमोजो की गन्स दी गई है, रोबोट की रोबोट पायलट दिया गया है। यहाँ पे तीनों जो है सॉरी रिपेयर एम्पलीफायर है, न्यूक्लियर एम्पलीफायर है, इम्यून एम्पलीफायर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे गन्स के कंपोनेंट दिए गए हैं, तीनों गन्स के ही कॉम्पोनेंट है भाई जो अभी दिखाए थे। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं। और यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है भाई, प्राइस गारंटेड आफ्टर 20, मतलब 20 खोलने पर हमें 3 जो है सिल्वर कॉइन मिलेंगे। तो भाई ये पहले बता दूँ, हमारे पास 2 कॉइन कम है रोजोन के, तो हमें ये वाला गिफ्ट तो मिलेगा नहीं। लेकिन प्राइस गारंटेड आफ्टर 3 ओपन बॉक्स करने के बाद 1 सिल्वर जरूर मिल जाएगा, तो हमारे सिल्वर हो जाएंगे पूरे 4। चलिए अब देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। नंबर 1 पर हम खोलते हैं, और ये खोलते हैं नंबर 10 नहीं खोलूँगा, मैं दिखाऊंगा लेकिन पहले मैं एक आध कर खोल लेता। और शुरू में मिले हैं हमें कॉम्पोनेंट, तो गन्स के कॉम्पोनेंट मिले हैं भाई, कौन सा खोलूँ जल्दी से बताइए। मुझे पहला खोलना चाहिए, दूसरा है, फिर तीसरा। भाई मैं सोच रहा हूँ पहला खोलूँ, पर आप बताइए आपको कौन सा खोलना पसंद था। भाई पहले में हमें 250 कॉम्पोनेंट मिले हैं, कैस्टस कॉम्पोनेंट की एक गन है जो कि ऑफियन की गन है। भाई कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा बॉक्स खोलना पसंद था, और तुमने वो खोला है कि नहीं। ओ रिपेयर एम्पलीफायर तो चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए, इसमें एक रोबोट है, एक एम्पलीफायर और एक गन्स का कंपोनेंट है। तो बताओ दोस्तों कौन से में क्या हो सकता है, कमेंट बताओ। मुझे चाहिए रिपेयर एम्पलीफायर, तो रिपेयर एम्पलीफायर हमें कौन से में मिल सकता है, मैं सोच रहा हूँ पहले में मिल जाए। ओ शेट, लास्ट वाले में चला गया भाई एम्पलीफायर। यहाँ पे क्रिप्सन कॉम्पोनेंट की गन मिल गई है भाई, मिस हो गया दोस्तों एम्पलीफायर में। चलिए एक और अटैम्प्ट करते हैं भाई। ओ स्पेशल डिलीवरी गारंटेड प्राइस भाई बेहतरीन, इन्होंने गारंटेड प्राइस के अनुसार तो पूरा ही ऑफर अच्छा कर दिया है। यहाँ पे 4 हो चुके हैं हमारे सिल्वर के स्टैम्प, अब एक ओपन करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या मिलेगा हमें। और भाई एक गन है मुझे की, और एक रिपेयर एम्पलीफायर है, तो मुझे एम्पलीफायर चाहिए दोबारा से, गन मेरे पास है उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं हमें एम्पलीफायर किस में मिलेगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। गाइस एम्पलीफायर किस में हो सकता है जल्दी से जल्दी मुझे बताएं, कमेंट भी करें। ओ यहाँ पे तेजा मिली है भाई, तेजा शेट एम्पलीफायर फिर रह गया, सेम पोजीशन आई थी इनकी, मैं तो भूल ही गया था। चलिए एक और बोलते हैं अटैम्प्ट करते हैं भाई दोस्तों। एम्पलीफायर और न्यूक्लियर एम्पलीफायर और एक गन भी मिली है कॉम्पोनेंट 250 के, बाइक कॉम्पोनेंट को गोली मारो, मुझे एम्पलीफायर चाहिए, कब से कंट्रोल कर रहा हूँ एम्पलीफायर मिल जाए लेकिन नहीं मिल पा रहा है भाई। अब मुझे जल्दी से बताओ पहले में, दूसरे में, तीसरे में एम्पलीफायर किस में है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ पर पहला वाला में हो सकता है। ओ गन भाई, पहले वाले में गन के कॉम्पोनेंट मिले, तो 500 कॉम्पोनेंट हो गए भाई पास क्रिस्टस के। एक और अटैम्प्ट करते भाई, देखते हैं इस बार क्या मिलेगा। इसमें गन्स है क्या, रोबोट का नहीं पायलट है, बाकी इम्यून एम्पलीफायर है, उसमें रोबोट्स का नहीं क्या। अब भाई इम्यून एम्पलीफायर, ओ यहाँ पे फिर बदल गया भाई, कैस्टस फिर मिले 500 गन, कैस्टस 1000 हो चुके हैं। अगर 10,000 कॉम्पोनेंट होगा कैस्टस गन के तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन हो नहीं मिल जाए 10,000। ओ 1000 कॉम्पोनेंट वाली गन है इसमें भाई,
मैंने अभी अभी देखा दोस्तों, इसमें 1000 कंपोनेंट वाली गन है। क्या आपने भी देखा, मुझे जल्दी से बताइए कौन से बॉक्स में हो सकती है, पहले में, दूसरे में या तीसरे में, मतलब मिडिल में, राइट में या फिर लेफ्ट में। भाई मैं राइट वाला खोलना चाहता हूँ, मुझे मतलब टेस्ट में होगी। ओ भाई वाह, क्लिप्सल कंपोनेंट मिल गए पूरे के पूरे 1000 के। पायलट भले ही ना मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे अब तक का सबसे बेहतर रिवॉर्ड मिला भाई 8 अटैम्प्ट में, और एक सिल्वर वाला जो मिला था। तो ओपन एक साथ 10 करके बोलते नहीं, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में बताएं। यहाँ पे रिपेयर हो गया भाई, रिपेयर एम्पलीफायर मुझे फिर चाहिए, अब देखते हैं लास्ट में। ओहो यार क्या हो रहा है, रिपेयर एम्पलीफायर शुरू से मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए, लेकिन अभी तक 8 अटैम्प्ट में मुझे रिपेयर एम्पलीफायर नहीं मिला भाई। हाँ लोड हैंड मिल गया है। चलो भाई अब मैं 10 ओपोनेंट करके देखूँ एक साथ या नहीं। छोड़ो मैं नहीं कर रहा भाई, एक करके 10 में ये होता है, मैं आपको पहले बता दूँ होता गया है। यहाँ पे एक न्यूक्लियर एम्पलीफायर दूंगा नहीं भाई, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चाहिए न्यूक्लियर एम्पलीफायर तो मुझे चाहिए नहीं, वैसे अच्छा होता है। कैस्टर्ड कंपोनेंट मिले भाई मेरे को, तो मैं बता रहा था कि भाई जो हमारा 10 ओपन करने में क्या मिलता है, जैसे हम यहाँ पे 3 खुले हैं बॉक्स, ऐसे ही आपको पूरे 10 ओपन करने में 30 खुलेंगे, और आपको तो उसमें से 10 सिलेक्ट करने होते हैं। आप कोई से भी 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है ऑफर मिल जाते हैं, आपके ऑफर क्या नहीं। उसमें ज़्यादातर हमारे कंपोनेंट मिलते हैं, इसलिए वो बेकार है, ज़्यादातर कंपोनेंट ही निकलते हैं उसमें हमारे। देख करके पता चल जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं सकता हूँ कि आप इसी को ही खोलें, इसमें जो आपको पता चल जाता है कौन से गन्स कितने आई हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं पता चलता है, सब एक जैसे दिखता है उसमें। चलिए अब देखते हैं भाई मैं कौन सा मिलेगा। मैं खोलता हूँ राइट वाला, और क्रिप्शन कंपोनेंट्स की गन मिली है 500 की भाई। हर बार गन्स के कंपोनेंट अलग मिल रहे हैं, इसी तरीके से तो हमारी गन बन ही नहीं पाएगी भाई। अच्छा मेरे पास 8 बचे हैं रोजोन के टोकन, और यहाँ पे ओपन 10 है, तो चलिए एक बार खोल के देखते हैं कि 8 में हमारा खुल पाएगा या नहीं। ओह 8 में नहीं खुल पाएगा भाई, ये 10 में ही खुल पाएगा, कोई बात नहीं, अभी करके खोल लेते हैं, बड़ी बात है भाई। इम्यून एम्पलीफायर, चलिए देखते हैं इम्यून एम्पलीफायर मिल पाता है नहीं, जल्दी से बताइए इम्यून एम्पलीफायर हमारा किस में हो सकता है, लेफ्ट वाले बॉक्स में, राइट वाले में, या फिर सेंटर वाले में। भाई यहाँ पे लेफ्ट वाला खोलना चाहूँगा, और यहाँ पे क्रिप्शन कंपोनेंट मिली है। ओहो मुझे लग रहा था कि राइट खोलना चाहिए था, लेकिन क्रिप्शन कंपोनेंट अभी तक हमारा एक भी गैस सही नहीं गया है भाई, मेरा तो अभी तक एक भी गैस सही नहीं गया है। आप लोग बताइए आपका क्या गैस सही गया है कि नहीं, आप जैसे सोच रहे थे वैसा हुआ या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए एक नेक्स्ट ओपन करते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे इम्यून है, कैस्टर पे 2 गन है, अलग अलग टाइप के इम्यून है भाई। इम्यून बता दो, कैस्टर गन तो हमें बहुत मिलने, इसके कंपोनेंट भी काफ़ी हो चुके हैं, करीब 2500 हो चुके होंगे। तो बताओ इम्यून कौन से में है, लेफ्ट राइट या सेंटर। मैं यहाँ सेंटर खोलना चाहूँगा। ओ फिर कैस्टर्स के कंपोनेंट के गन मिले हैं वही 500 के, इम्यून फिर नहीं मिला। अब तक मैं रिपेयर में ढूंढ रहा था रिपेयर एम्पलीफायर, वो नहीं मिला, अब इम्यून एम्पलीफायर आ रहा है तो वो भी नहीं मिल रहा है दोस्तों, देख रहे हो ना कितना बैड लक चल रहा है इस टाइम। चलिए 500 बच रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर एक है कि गन से, न्यूक्लियर तो छोड़ो भाई वो सस्ता वाला है, वो हमें नहीं चाहिए, आप फिर हमें कॉम्पोनेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला खोलता हूँ, देखते हो क्या मिलेंगे, क्रिप्शन कॉम्पोनेंट के 250 गन। पर 250 कॉम्पोनेंट से तो बढ़िया आता है यार, मेरे को ये पायलट मिल जाता है। 250 कॉम्पोनेंट गन के बहुत कम होते हैं दोस्तों, पायलट मज़ा ही नहीं आता है। ओहो 250 फिर न्यूक्लियर, अब लगता है कि भाई अब तो रिवॉर्ड्स कम होते जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा रिवॉर्ड्स में। लेफ्ट या राइट या सेंटर, बताइए न्यूक्लियर किस में हो सकता है दोस्तों, बाकी गन्स के कंपोनेंट तो दोनों में है ही। सेंटर वाला खोलते हैं, देखते न्यूक्लियर मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे लेफ्ट कंपोनेंट मिला है भाई, अभी तक हमारा एक भी गैस सही नहीं गया है, और 4 प्रोटोन के टोकन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। चलिए लेफ्ट चलते हैं, और उसमें देखते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा। ओ भाई ये क्या ऑफर है, ये ऑफर बेहतरीन लगा। न्यूक्लियर एम्पलीफायर, इम्यून एम्पलीफायर, रिपेयर एम्पलीफायर, तीनों ही एम्पलीफायर देते हैं, कोई से बॉक्स खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बताओ मुझे एम्पलीफायर चाहिए रिपेयर वाला, रिपेयर एम्पलीफायर, मतलब वो किस में हो सकता है, जल्द से जल्द कमेंट करो, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, लेफ्ट राइट या सेंटर में हो सकता है। यहाँ पे मैं स्टंप खोलना चाहूँगा भाई राइट वाला, देखते हैं उसमें क्या निकलेगा क्या नहीं। ओ शिट, यहाँ पर इम्यून एम्पलीफायर निकल गया भाई, चाहिए था रिपेयर एम्पलीफायर। तो दोस्तों किस किस को लगा था कि लेफ्ट वाले में रिपेयर एम्पलीफायर हो सकता था और वो हमने नहीं खोला है, कमेंट में जरूर बताएं। और 3 अटैम्प्ट बचे हैं, देखते हैं क्या होगा भाई, 5000 के गन के कंपोनेंट मिल जाए तो मजे आ जाए। यहाँ पे 2500 के और एक गन मिली है भाई। ओ हो बताओ भाई साहब, 2500 के कंपोनेंट कौन सी वाली गन में हो सकता है, मतलब
2500 का जो कंपोनेंट था अभी कन का स्टेक वाले का, तो वो कौन से में हो सकता है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट वाले में? मैं यहाँ पे सेंटर खोलता हूँ, देखते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं। ओ स्टेक के 2500 के कंपोनेंट मिल गए हैं भाई, वाह बेहतरीन बात है, बहुत ही बेहतरीन। ये जो गन थी यहाँ पे म्यूजी वाली, तेजा वाली, ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मुझे ये चाहिए भी नहीं, इसलिए स्टेक का मैंने डिमांड रख दी है। उसके बाद सिल्वर का नंबर आने वाला है दोस्तों, और यहाँ पर एक न्यूक्लियर एम्पलीफायर दो कॉम्पोनेंट है। गन्स का कॉम्पोनेंट तो 250 है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये बताइए कि आपका न्यूक्लियर एम्पलीफायर कौन से बॉक्स में हो सकता है, लेफ्ट वाले बॉक्स में हो सकता है, सेंटर वाले बॉक्स में, या फिर राइट वाले में? चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर लेफ्ट वाला खोलता हूँ, बहुत टाइम से लेफ्ट वाला नहीं खोला है, उसमें देखते हैं कि निकल पाएगा या नहीं। यहाँ पर क्रिप्शन आई है भाई, सेंटर वाले में था, शिट मैन, लास्ट टाइम बच रहा है, उसको क्या होता क्या नहीं। ओहो, इसमें भी 250 के कॉम्पोनेंट ही मिले हैं, ये तो बहुत ही बकवास, बेकार और बहुत ही बेहूदा बात है। चलिए अब देखते हैं भाई, दो गन्स के कंपोनेंट हैं, यहाँ पे पायलट बताओ, चलो पायलट किस में हो सकता है, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में? मैं यहाँ पे स्टम सेंटर बोलता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। ओ क्रेस्टन्स के 250 मिले हैं भाई, पायलट भी हमारा एक बार आ चुका है, गन्स भी आ चुके हैं। तो एक बार सबसे पहले हम अपने गिफ्ट्स देख लेते हैं जो हमें प्रोसोन टोकन से मिले हैं। यहाँ पे क्रिस्टन्स के, क्रिप्शन के, स्टेक के गन्स मिले हैं, इम्यून एम्पलीफायर एक मिला है, बाकी गन्स के कॉम्पोनेंट हैं, क्रिस्टन्स के ज़्यादा है भाई, और उसके बाद क्रिप्शन के हैं, फिर लेबर के हैं, फिर स्टेक के हैं, एक हमारे पास पायलट भी मिला है। हैरोल्ड हैंड इंक्रीज द टाइम इट्स टेक फॉर ओवरहीटिंग लेजर टू ओवरहीट बाय 3 सेकेंड, यानी जो लेजर वाली गन होती है उनको 3 सेकेंड और एक्स्ट्रा देता है ताकि वो ओवरहीट ना हो। ये अच्छा पायलट है भाई, जैसे कि तेजा गन है, यहाँ पे इस गन को पे अगर ये वाला पायलट लगाओगे तो इसको 3 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेंगी भाई, ताकि ये ओवरलोड ना होए। बाकी एक सिल्वर का मिला था, ये भी अच्छा है भाई। अब चलते हैं हम सीधा अपने सिल्वर की तरफ दोस्तों, यानी सिल्वर टोकन की तरफ, और इसमें देखते हैं हमें क्या मिलेगा क्या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं स्पेशल डिलीवरी के अंदर सिल्वर वाले बॉक्सों में क्या है। यहाँ पे बहु लिनक्स है, लिनक्स है, नीदर है, एंजलर है, इम्यूजी है, मार्स है, टूरल एंजलर है, आर्डेट इम्यूजी है, गोटिक मार्स है। भाई वाह, रोबोट्स सारे बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले रोबोट्स है, जो टॉप पे चल रहे हैं वही दे रखे इन्होंने। आर्डेंट पेजा है, टेजन ड्यूजा है, आर्डेंट हवाइन है। यहाँ पे लेवी खिचको है, सैटी कैट है, और मोनिक क्लेनोर है, 3x3 RTR भी है, मॉलिंग है। मेरे पास ये दोनों, एक दो तीन, ये तीनों पायलट्स हैं मेरे पास यहाँ पे। सिलेक्ट रोड भी है, रोफ्रो भी है, मार्टस भी है, शोडाउन का जो तुम्हारा ड्रोन है, क्रिस्टल का ड्रोन है, लोन टाटी का ड्रोन है, आर्मडान का ब्रेक है, पैरालिसिस का है, रिवायरा का है भाई, पेंट चोब है, उसके बाद नेदर लेनेक्स के, उसके बाद क्या क्या है भाई। प्राइस गारंटेड आफ्टर 5, प्राइस गारंटेड आफ्टर 10, प्राइस गारंटेड आफ्टर 20। ओ हो भाई, हमारे पास तो सिर्फ 4 हैं सिल्वर के, और भाई यहाँ पर हमसे एक प्राइस छूट गया है दोस्तों, ये बात अच्छी नहीं हुई है। यहाँ पर 5 में मिल रहा है और हमसे एक छूट गया है। बस मैं तो ये कहूँ कि भाई हमारे को ड्रोन ना देना, हमें रोबोट की ज़रूरत है, मतलब रोबोट पसंद है, पायलट्स भी ना दो तो भी चलेगा, ड्रोन ना दो तो भी चलेगा, देना क्या है रोबोट्स देना या उनके पॉइंट जो। चलिए अब देखते हैं 4 में हमें क्या मिलता है क्या नहीं, और पहला मैं यहाँ पे अटैम्प करने चलते हैं सिल्वर का। सिल्वर हमारे पास दस तो है नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग होती है। ओ हो, मैंने कहा था पायलट नहीं देना, फिर उन्होंने पायलट दे दिया भाई। मुझे इस टाइम 3 RT मेरे पास है, और दो बाकी की लेडीज़ में से एक है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो गुलाबी बाल बाल वाली वो भी है मेरे पास, ब्लैक बाल वाले नहीं है मेरे पास। तो चलिए देखते हैं क्या हमें ब्लैक वाले वाले मिल पाएगी या नहीं। वो ब्लैक वाले कौन से में है ये बताइए भाई, फर्स्ट में, लेफ्ट में, सेकंड में, यानी मिडल में, थर्ड में, यानी राइट में? मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ भाई, शायद थर्ड वाला या फिर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ओपन करते हैं। ओहो हो यार, थर्ड वाला मैं ओपन करने के सोच रहा था भाई, उसमें ही निकल जाता यार, अब तक मेरा एक भी अटैम्प सही नहीं गया है। कौन सा सोचता हूँ वो वाला ओपन नहीं करता, दूसरा ओपन कर देता हूँ यार, 3x3, ये RTR का मेरे पास था यार। चलो भाई एक नेक्स्ट अटैम्प की तरफ चलते हैं, क्या मिलता है। और भाई जल्दी से मुझे कमेंट करो यार, फिर पायलट आ गए यार, मैं तो कह रहा हूँ पायलट मत दो यार, रोबोट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, दो अटैम्प खराब हो गए भाई। तो चलिए भाई दोस्तों, अब देखते हैं 3x3 R3TT तो हमें चाहिए नहीं वाला पायलट, इसका नाम ही बोलना पड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं 3x3 बोलता हूँ बस इसको। तो देखिए अब एक नया पायलट आया है जो कि
हाथ में हाथ को पकड़े था, शायद वो जख्मी था, वो देखते हैं किस में हो सकता है। आप जल्दी से कमेंट बताएं वो वाला पायलट किस में हो सकता है, लेफ्ट सेंटर या राइट। मैं यहाँ पर राइट वाला खोलना चाहता हूँ, अभी दिल से ही चाहता हूँ कि राइट वाला खोलूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि मुझे लेफ्ट वाला खोलना चाहिए। अब मेरे को ज़्यादा फोकस तो हो रहा है भाई कि राइट पर खोलूँ, लेकिन डाउट वाला फोकस खोलूँ या ना खोलूँ, हर बार रह जाता हूँ। देखता हूँ भाई वाह, डाउट वाला अच्छा, मैंने खोला नहीं, लेकिन रोल्फ गार्किक यही मैंने सोचा था भाई, इसका हाथ सकनी है और ये कौन से वाले बॉक्स में हो सकता है। दोस्तों यदि आप कभी यही वाला बॉक्स था तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें जल्द से बताया गया यही आपका ऑप्शन था या कोई और ऑप्शन खोलना था। दोस्तों आप लोगों को मज़ा आ भी रहा है या नहीं, यहाँ पर एक पेंट जॉब आया है लिनक्स का, तो भाई मुझे वो पेंट जॉब चाहिए हर हाल में, तो देखते हैं वो पेंट जॉब है किस में, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। तो यहाँ पे मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि भाई सेंटर वाला खोलूँ, लेकिन डाउट मेरा फिर भी जा रहा है वन की तरफ यानी लेफ्ट वाले की तरफ। मैं पूरे दिल से खोल करके देखना चाहता हूँ। ओ भाई सेम ही उन्होंने दे दी भाई, आर्डन पेज अप से एक गन मिल रही है, गन्स नहीं चाहिए थी, रोबोट या पेंट जॉब चाहिए थे, तीन अटैम्प्ट खराब हो गए हमारे, ना तो पेंट जॉब मिला भाई ना रोबोट मिले। अब लास्ट अटैम्प्ट बच रहा है भाई, हमें पेंट जॉब और रोबोट चाहिए, तो उनमें से कुछ नहीं चाहिए, रोबोट दे दो भाई लास्ट, कैसे करोगे तुम। ओ भाई लास्ट अटैम्प्ट में भी उन्होंने सेम वही पायलट दे दिए, बुरे बुरे, ये मुझे एक भी नहीं चाहिए भाई, मेरे पास ऑलरेडी है। चलिए भाई देखते हैं ब्लैक वाली गर्ल्स के इस बारे में मिल पाएगी या नहीं, लेफ्ट राइट या सेंट्रल, देखते हैं भाई किस में मिल पाएगी किस में नहीं। आप मुझे बताएं जल्दी से, सबसे पहले अभी बताएं, जाए कमेंट करें और अभी बताएं कि यहाँ पर जो ब्लैक वाली गर्ल है, एक पिंक वाले बाल वाली गर्ल है, और यहाँ पर 3v3 का वो तो चाहिए नहीं, ब्लैक वाली गर्ल कौन से में हो सकती है जल्दी कमेंट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर खोलने वाला हूँ लेफ्ट वाला, और अब देखते हैं किस में हो सकता है किस में नहीं। ओ भाई सेल्वी वाव, क्या बात है, इन दोनों की पोजीशन बदली, लेकिन सेल्विका के थ्रोन की नहीं बदली, और ये बहुत ही बेहतरीन है। इस पायलट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये है क्या, यहाँ पे एंजलर आउटसाइड द एबिलिटी टू स्टोर इट्स कूल डाउन ऑन किल, क्या बात है, यानी इसकी जो एंजलर के आउटसाइड की एबिलिटी है वो रिस्टोर हो जाती है जब भी किसी को किल करता है, भाई बहुत ही बेहतरीन है भाई, मुझे तो मजा ही आ गया, 20 सेकेंड के लिए हो जाती है भाई, पायलट बहुत अच्छा है एंजलर के लिए भाई, लेकिन हमें तो ये कभी नहीं मिला भाई, रोबोट चाहिए था, पिंट चॉप चाहिए था, उसका क्या हुआ, वो तो मिला ही नहीं। ओहो नहीं भाई ब्रो, फोन में मजा आया इतना स्पेशल ओपन करने में, ना ही सिल्वर में आया है, और अब हम चलते हैं भाई सीधा अपने गोल्ड की तरफ यानी गोल्ड टोकन्स की तरफ, जिसका स्पेशल डिलीवरी खोलने चलते हैं हम भाई। यहाँ पर अब हम आ गए हैं स्पेशल डिलीवरी के अंदर, गोल्ड बिंगो बॉक्स के अंदर। अब यहाँ देखते हैं बिंगो बॉक्स में हमें फाइंड ए लक्की सेल करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड ए लक्की सेल करना है, यदि वो मुझे मिल जाता है तो आप भी जा करके, आपका भी सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि मेरे को मिल जाता है तो आप भी उसको खोल सकते हैं मेरे इस वीडियो को देख करके। सबसे पहले बता दूँ जुलाई 2023 का है, कभी आप किसी और महीने में खोलें तो अलग हो जाएगा, लेकिन यदि आप इस जुलाई का ही खोलना चाहते हैं तो भाई कमेंट करना ना भूलें। मैं सबसे पहले खोलना चाहता हूँ भाई नंबर 4 वाला, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा ना क्या नहीं। ओ भाई ग्लेविसन गन मिल गई है, बेहतरीन शानदार, इसमें इतने अच्छे गन्स भी हैं क्या, ओहो इसमें कुछ खोया क्या, कुछ ये रिवॉर्ड है, तो भाई अब मैं खोलना चाहता हूँ एक लास्ट वाला, चलिए लास्ट वाले में देखते हैं क्या है भाई। ओ ग्लेवियस भाई, 2 ग्लेवियस मिल गई है, क्या कमाल की बात है। अब मैं सेंटर वाला खोलना चाहता हूँ, देखते इसमें क्या भाई। ओहो फ्रोजोन कंपोनेंट है भाई 5000 का, और यही लक्की सेल है मेरे दोस्तों, भाई क्या बात है, यहाँ पे बीच वाला हमें लक्की सेल मिल चुका है, 3 ही अटैम्प में लक्की सेल खोल दिया, दोस्तों को तो भाई 25 अटैम्प में खुलता है जा करके जब लास्ट वाला बचता है। यहाँ पे देखो हमने रेयर तरीके से खोला है, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ में, और यहाँ पे लास्ट का और फिर सेंटर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ओपन का बटन आ चुका है लक्की सेल को खोलने के लिए। अब हम इसको खोलेंगे, लेकिन इसको खोलेंगे हम लास्ट में, अभी फिलहाल हम खोलते हैं अपने 2 बचे हुए गोल्ड टोकन्स को। तो अभी हमारे जो गोल्ड टोकन्स है मैं एक खोलना चाहता हूँ यहाँ पे सेकंड रो में, सेकंड वाला भाई, देखते इसमें क्या मिलेगा। ओहो थोर कंपोनेंट 5000, यहाँ पे आने की मदरशिप के कंपोनेंट ज़्यादा दे रखे हैं, गन्स के कम हैं, कोई बात नहीं, कंपोनेंट खोल करके मुझे लक्की सेल तो मिल गया है, वहाँ से एक टाइटन और मिल जाएगा तो मज़ा ही आएगा। अब यहाँ पे भाई 4 वाले तो मैंने खोल लिया, अभी देखते इसमें खोलूँ या मैं सोच रहा हूँ पहली वाली में खोलूँ, चलो चौथी वाली में लाइन में खोलते हैं भाई पहला ऑप्शन, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। ओहो फ्रोजोन के भाई 2500, और मैं शायद लास्ट वाला खोलने की सोच रहा था, अब नहीं खुल पाएगा,
यहाँ पे हमें तीन में दो कंपोनेंट मिले हैं फोर जोन के, पांच और यहाँ पे 2500 इसके मिले हैं भाई, हो गए टोटल 7500। दोस्तों यदि आपको अभी तक लकी सेल नहीं मिला है कौन से बॉक्स में है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख करके अपना लकी सेल को खोल सकते हो और पा सकते हैं सुनहरा मौका रेयर चेस्ट ओपन करने का। तो अभी हम सीधा वहीं पर चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लकी सेल जो है आपका ब्लीच वाला है, मिडल वाला है, जिनको बॉक्स ओपन कर देना। अब यहाँ पे ओपन करते हैं हम अपने और उसमें देखते हैं कि आप प्राइस मिलेगा। बहुत सारे टाइटन है, तीन तरह के। ओहो, ये मतलब खुद ही दे दिया इसने, कोई भाई चॉइस करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। फाइंड ए लकी सेल टू गेट रेयर चेस्ट। भाई स्लेटर इगोरी दी है इन्होंने हमें, और स्लेटर इगोरी जो है बेटा वेपन है, देखते हैं भाई। हाँ ये बेटा ही वेपन है, अल्फा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 500 मीटर है, रिलोड टाइम 8 सेकंड है, 2400 नहीं 2422 की डैमेज है, लगभग भी 2500 नहीं, लगभग 2400 में ही रह गई है। कोई बात नहीं, फाइंड ए लकी सेल टू अनलकी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लकी सेल एक ही बार होता है, इसमें कई बार होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें लकी सेल एक ही होता है या फिर बहुत सारे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा से ये अनलॉक हो गया है, उसमें लिखा है फाइंड ए लकी सेल टू अनलॉक। भाई अगर इसमें 2 या 3 होंगे तो मज़ा ही नहीं आ जाएगा फाइंड ए लकी सेल कौन लेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इसमें एक ही अटैम्प्ट मिलता है क्या रेयर चेस्ट को ओपन करने का, या फिर और भी अटैम्प्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये स्पेशल डिलीवरी की वीडियो कैसे लगी आपको, जिसमें हमने अपने सारे जो है टोकन्स जो है खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए हैं। 18 ब्रोजोन थे, 4 सिल्वर हो गए थे और 5 गोल्ड थे हमारे पास, लेकिन हमें सिल्वर से उम्मीद ज़्यादा थी कि रोबोट मिल जाएंगे या पेंट जॉब, वो हमें नहीं मिल पाया है। ब्रोजोन से तो अच्छी गिफ्ट मिल गए हैं और भाई जाहिर सी बात है हमें गोल्ड से भी अच्छे मिल गए हैं, और स्पेशल डिलीवरी यानी रेड डिलीवरी को ओपन करने के बाद भी वो भी अच्छा मिल गया हमें। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बात लगी है मुझे। और अब देखते हैं हम हमारे लीडर बोर्ड के अंदर रैंकिंग क्या बन चुकी है दोस्तों। भाई वाह, क्या रैंकिंग बनी है, ऐसी रैंकिंग तो मैंने कभी देखी ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर रैंकिंग देख सकते हो, अभी तक मैं यहाँ पर 25 रैंक के आसपास था, 26-27 पे। यहाँ पर देख सकते हो मैं 6 रैंक 6 पे आ गया हूँ। यहाँ पर हमें 1000 के भी मिल गए भाई, इस टाइम हमारे कितने 2680 3000 और कर लेता हूँ यानी ऑलमोस्ट 300 और अगर मैं यहाँ पर टोकन ला देता हूँ तो 3000 पे मुझे 200 की जो है कीस भी मिल जाएंगे, 200 कीस। तो चलिए इसकी कोशिश करते हैं, इसमें अभी 1 day 24 hours यानी ऑलमोस्ट 2 दिन बचे हुए हैं, और यहाँ पर देखते हैं हमें इसमें क्या मिला भाई। रैंक 2 पर आ चुके हैं भाई, वाह यहाँ तो हम रैंक 2 पर आ गए भाई। गोल्ड डिलीवरी ऑर्डर में ओपन करने पर कितना मिला भाई, 500 ओपन करने पर, यानी 2500 तो हमें सीधे सीधे इसके ही मिल गए भाई, और यहाँ रैंक 2 आ चुकी है हमारी। यहाँ पर 3000 भाई, 200 कीज, बहुत ही बेहतरीन बात है। और यहाँ पर देखते हैं क्या बना है क्या नहीं। रैंक 8 पर तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं बना है दोस्तों। यहाँ पर रैंक ऊपर आने के लिए हमें खोलने पड़ेंगे ब्लैक मार्केट, सिल्वर में इतना मिलेगा 50, गोल्ड में 500 और ईच ब्लैक मार्केट सुपर चेस्ट ओपन करने में मिलेंगे 1000, ब्रोजोन में 5, डिस्ट्रॉइंग में 10 और 40 फॉर विनिंग। अभी फिलहाल हमारे पास देख सकते हो भाई पूरे 5573 जो है कीस बाकी हैं, और यहाँ पे डेज लेफ्ट एंड मिस नो डेज। मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सुपर चेस्ट है ना, ये एक टाइम में जो है फास्ट चार्ज होनी शुरू हो जाती है 200%। अभी लास्ट टाइम जब आई थी तो 150 थी, अब यानी 200% जो है फास्ट चार्ज होने वाली है एक आध दिन में ही, क्योंकि 9 दिन बच रहे हैं। तो मैं उस दिन इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर 4 अटैम्प्ट में ही यानी 4000 की इसको खर्च करने पर यहाँ पर मुझे सुपर चेस्ट मिल जाएगी, और जिसमें से मुझे मौका मिलेगा स्केवेंजर, क्रेंद्रा, इंद्रा, ऑक्स माइनोस, बहुल, उचाडर, जेम्स, प्रोमैच या फिर बोटिक मास वगैरह, इन कौन सारे रोबोट्स को ओपन करने का। चलिए हम उसका इंतजार करते हैं जब तक। और भाई यहाँ पर स्टेक कंपोनेंट भी आ चुका है हमारे पास, और स्पार्क कंपोनेंट भी आ चुका है। ये दोनों कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन वाली बात हो चुकी है। इन कंपोनेंट को मिलने के बाद मजा ही अलग आ गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, कुछ आपको सोचने के लिए देखने के लिए मिला है, या फिर वो ऐसा कोई चीज़ रह गई है जो आप फ्री में चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई है, तो आप जल्दी से हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।